हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टेबल आ गया है। सबके यहाँ गुजिया, पूरन पोली, घेवर बनने लगा है। तो आज हम पूरन पोली की रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी अलग तरीके से। इसे ना हमें स्टफ करना है, ना ज़्यादा टाइम देना है, और बिल्कुल टेस्टी पूरन पोली तैयार करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है चना का दाल, जिसे हमने 6 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब हम इसे छान लिए हैं। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, फिर छान लीजिए। गेहूं का आटा हमने लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम यहाँ पे हमने मैदा लिया है। गुड़ 200 ग्राम हमने ले रखा है। देसी घी, जायफल, इलायची पाउडर और नमक हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें हम सबसे पहले अपना सोक किया हुआ चना दाल डाल देंगे। पूरन पोली में यही मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन जो स्टफिंग वाली बनती है उसमें हम उबाल के डालते हैं। और ये नए तरीके से हम पूरन पोली बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। अब हम दाल के साथ ही अपना ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमने तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। गुड़ कई प्रकार के होते हैं, कुछ गुड़ हार्ड होता है तो उसे कद्दूकस कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने दाल और गुड़ को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं एक गाढ़ी सी पेस्ट तैयार हुई है। ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। चलिए हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा सा बॉल पे एक छड़नी रख लिया है। इस पे हम डाल देंगे सबसे पहले अपना मैदा और साथ में हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे आप चाहें तो केवल मैदा से भी बना सकती हैं पूरन पोली, और चाहें तो गेहूं का आटा से भी बना सकती हैं। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से मैदे से ही पूरन पोली बनी जाती है, तो हम यहाँ पे दोनों मिक्स करके बना रहे हैं, इससे हेल्दी होगा। तो यहाँ पे हमने अपना आटा झाड़ लिया। अब हम उसमें डालेंगे नमक, साथ में हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा अपना जायफल घिस लेंगे। तो ध्यान रहे, जायफल का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो हम इतना ही डालेंगे। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिया। अब हमने जो यहाँ पे चने और गुड़ का घोल बनाया था उसको डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट हमें बनाना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और घोल तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम मिक्सर जार धो धो के पानी और ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कितना बढ़िया अपना घोल तैयार किया है पूरन पोली का। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, जब हम गिरा रहे हैं तो इसकी धार टूट नहीं रही है, यानी कि ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, परफेक्ट तैयार हुआ है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो आपको बता दे रही हूँ, ये रेसिपी घी में ही बहुत टेस्टी तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे देसी घी यूज कर रहे हैं। तेल को हमने फैला दिया। तो अपनी घी अच्छे से फैल चुकी है। अब हम बेटर में से 1 चम्मच लेंगे और धीरे से बीच में हम इसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें यहाँ पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये ऑटोमेटिक अपने ही पैन में फैल जाएगा। हाँ, आपको बड़ी साइज़ का बनाना है तो 1 चम्मच की जगह पर 1.5 चम्मच ले लीजिए। तो हमने पूरन पुली का घोल डाल दिया है। अब हम ढक्कन से कवर करके इसे 2 से 3 मिनट तक पका के फिर उल्टेंगे। तो चलिए अपनी
पूरी चेक कर लेते हैं। अब हम दूसरे साइड से बिना कवर किए हुए पकाएंगे। पहली बार कवर करना ज़रूरी था क्योंकि हमने इसमें कच्चा दाल पीसा है, बॉयल नहीं किया है और इसमें किया भी नहीं जाता है, तो आप इसे 2-3 मिनट पका के फिर से फ्लिप कीजिए। अब हमें ढकना नहीं है, दोनों साइड से हम उलट पलट के करारेदार सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी दूसरे साइड से भी पूरन पोली सीख चुकी है। इसे हम ऐसे पलट देंगे, कितनी खूबसूरत कलर आई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और देसी घी लगा लेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से दबाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि आप जितना में स्टफिंग वाला बनाते हैं उससे कम टाइम में ही ये अपना पूरन पोली तैयार हो जाता है और खाने में तो इसका जोर नहीं है। हमने ऐसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए दोनों साइड से अपनी पूरन पोली पका लिया है। कितना बढ़िया तैयार हुआ है, आपको लग रहा है कि बिना स्टफिंग वाला ये पूरन पोली है। तो फ्रेंड्स, अब ये दोनों साइड से सीख चुका है, इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो हम इसे एक प्लेट में ऐसे डिश आउट कर लेंगे। चलिए हम इसी तरीके से सभी पूरन पोली तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पूरन पोली बनाना कितना आसान है, वो भी एक अलग तरीके से। तो इस रेसिपी को आप भी बनाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।